इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। बुरा न मानो होली है। मीडिया के लोग तो हमेशा चर्चित चेहरों के मोहब्बत की कहानी आम जनता को हमेशा बताते हैं, लेकिन हम होली के अवसर पर आपको ऐसे तमाम मीडिया कर्मियों के मोहब्बत की छुपी हुई कहानी का खुलासा करेंगे जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। आपको भी लगेगा कि इतनी व्यस्तता होने के बाद भी मीडिया कर्मी मोहब्बत आखिरकार कैसे कर लेते हैं। कई बार मीडिया कर्मियों के साथ मोहब्बत के दौरान कुछ ऐसी भी घटनाएँ घट जाती हैं जिसे साधारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है। इसको और मोहब्बत के संबंध में एक शेर याद आ रहा है जिसे यहाँ पर कहना महत्वपूर्ण होगा। इश्क बहुत होशियार है, उसको फुस लाने की आदत है। हुस्न बहुत मासूम है, उसको फंस जाने की आदत है। शहर के एक नामचीन अखबार के संपादक के सामने पसोपेश की स्थिति उस समय निर्मित हो गई जब उनकी महबूबा उन्हें रंग लगाने उनके घर पहुँच गई और बोली, तुम इतनी जल्दी भूल जाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो वह दिन जब हम तुम्हारी बाहों में कई घंटे गुजार देते थे। याद करो वह दिन जब तुम मेरे बालों में गुलाब का फूल लगाकर कहा करते थे कि तुम कितनी हसीन लगती हो, शायद इस कायनात में तुमसे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम डर क्यों रहे हो? आखिरकार मैं रंग ही लगाने तो आई हूँ, कोई घर बसाने तो नहीं। वैसे भी मुझे मालूम है तुम्हारा घर बस चुका है, मुझे किसी का घर तोड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन पुरानी यादें इतनी आसानी से नहीं भूला करती विश्वतारा जी। अपनी प्रेसी की बात सुनकर विश्वतारा जी थोड़ी असहज हो गए और फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाया करती हैं। अब उन यादों का क्या, जिम्मेदारियों की आग में हम भी बुरी तरह से झुलस रहे हैं। वो जवानी का झोंका था जिस झोंके में कुछ कहानियाँ बन गई। सच्चाई यह है कि अब उन कहानियों को मैं याद करने का वक्त है न पढ़ने का, बस अब तो ज़िंदगी यंत्रवत हो चुकी है और किसी कदर ज़िंदगी काटनी है। शराब के नशे में जिस तरीके से शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जयाप्रदा के दरवाजे पर जाकर मीना ओ मीना आवाज़ लगाकर अपनी प्रेसी को बुलाया और वहीं पर नृत्य करने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से पत्रकार चंद्रकांत पांडे अपनी प्रेसी के यहाँ शराब के नशे में धुत होकर जाते हैं और उसके दरवाजे में होलिका दहन के दिन इस तरीके से नाचे कि पूरा मोहल्ला देख कर दंग रह गया। अंत में मजबूर होकर प्रेसी को बाहर निकलना पड़ा और चंद्रकांत पांडे को समझाना पड़ा, इतनी शराब पीना अच्छी बात नहीं है और यह वक्त अब घर जाने का हो चुका है, सामान्य हालत में आइएगा तो फिर हम आपका स्वागत सत्कार करेंगे। इस तरीके से बचकानी हरकत करने का कोई मतलब नहीं है। यह पूरा नज़ारा मोहल्ले के तमाम लोग तमाशबीन की तरफ देख रहे थे। चंद्रकांत पांडे इस बात पर अड़े थे कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। बाद में कुछ पत्रकारों की समझाइश पर चंद्रकांत पांडे माने, लेकिन यह कहते हुए अपने घर गए कि कल मैं तुम्हें रंग लगाने अवश्य आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। सतना शहर के पत्रकार रमाशंकर शर्मा के घर में उस समय असहज स्थिति बन गई जब उनके घर में एक 5 वर्षीय नन्हा सा बालक पहुंचकर उन्हें पापा कहकर बुलाने लगा। रमाशंकर तो भौचक्का रह ही गए, लेकिन उनके घर के लोग भी भौचक्के रह गए कि आखिरकार की रमाशंकर को कोई भी बालक पापा कैसे कह सकता है। रमाशंकर कुछ बोल पाते इसके पहले ही उनके घर के सदस्यों ने उस बालक से पूछना शुरू किया कि बेटा, रमाशंकर जी तुम्हारे पापा कैसे हुए? उस बालक ने बड़े अल्हड़पन के साथ जवाब दिया कि यही तो मेरे वास्तविक पापा हैं, ये रोज़ हमें बिस्किट खिलाते हैं, टॉफ़ी देते हैं, ड्रेस दिलाते हैं, यहाँ तक कि कापी किताब भी यही खरीदते हैं, यह तो रोज़ हमारे घर भी आते हैं। एक दिन मैंने इनका पीछा कर लिया और यह जान लिया कि हमारे पापा का एक घर और भी है, इसलिए आज मैं अपने पापा का दूसरा घर देखने आया हूँ। रमाशंकर कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन इसके पहले ही उनके घर के सदस्यों ने उन्हें डांटते हुए चुप करा दिया और कहा, अब बहुत होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वास्तविकता सामने आ गई है, चुप रहो। होली के दिन इस तरीके का वाक्या होना अपने आप में निश्चित तौर पर परेशानी वाला था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके की परेशानी और टेंशन दूर करने के लिए कोई पत्रकार क्या कर सकता है। सतना जिले के पत्रकार संजय लोहानी की एक बार तबीयत खराब हो गई, उन्हें कोरोना हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते थे, लेकिन तबीयत नासाज थी इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। कोरोना में छुट्टी मिलती नहीं इसलिए तकरीबन उन्हें 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा।
डॉक्टर से ज़्यादा देख रेख उनकी एक खुश मिजाज नर्स किया करती थी। संजय चेहरे से मासूम दिखते ही हैं, बीमारी के चलते मासूमियत तो उनके चेहरे का श्रृंगार करने लगी। इतनी भोली सलोनी और मासूम चेहरे पर कौन फिदा न हो जाए। संजय लोहानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते इसके पहले हॉस्पिटल की नर्स ने मोहब्बत की इतनी कैप्सूल खिला दी थी कि वे डिस्चार्ज ही नहीं होना चाहते थे। परिवार के दबाव के चलते संजय लोहानी हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गए, लेकिन किसी न किसी बहाने अस्पताल के एक दो चक्कर ज़रूर लगा देते थे। संजय लोहानी को नर्स की उस मोहब्बत ने इतना मत रखा था कि वे एक दिन तक हार कर नर्सिंग होम के डॉक्टर से बोले कि सर हमें भी कोई नौकरी दे दीजिए। सतना जिले के एक नामचीन पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी, जो पत्रकारिता के साथ साथ पूजा पाठ में भी काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। विष्णुकांत त्रिपाठी के कई जजमान भी हैं। त्रिपाठी जी अपने जजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराते रहते हैं। अब पूजा पाठ कराते कराते विष्णुकांत त्रिपाठी के अंदर का राम रहीम और आसाराम बापू कब जाग गया पता ही नहीं चला। पूजा पाठ कराते कराते त्रिपाठी जी ने कब दूसरी पूजा शुरू कर दी इसका इल्म तो ठीक से उन्हें भी नहीं है। लेकिन एक दिन मामला तब पकड़ लिया गया जब त्रिपाठी जी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, बहुत दिन हो गए आपने पूजा नहीं कराई, क्या आपको पूजा कराने की इच्छा नहीं होती। संयोग से उस दिन विष्णुकांत त्रिपाठी अपनी व्यस्तता में मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। फिर क्या था, चीज़ों को समझने में वक्त नहीं लगा। होली पर हालात इस कदर बिगड़े कि पड़ोसियों को बीच बचाव करना पड़ा। आप सबने ऐसा बहुत कम ही सुना होगा कि किसी शिक्षिका को अपने छात्र से मोहब्बत हो गई हो। राजेश द्विवेदी उन्हीं में से एक है। बात उन दिनों की है जब राजेश द्विवेदी 12वीं कक्षा के छात्र थे और एक महिला शिक्षक उन्हें ट्यूशन पढ़ाया करती थी। राजेश द्विवेदी भी पढ़ने में होशियार थे, लेकिन इश्क के कीटाणु राजेश द्विवेदी के अंदर कूट कूट भर रहे थे। शिक्षिका पढ़ाते पढ़ाते उनके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। एक समय तो ऐसा आया कि शिक्षिका स्कूल पढ़ाने नहीं जाती थी और राजेश द्विवेदी स्कूल पढ़ने नहीं जाते थे। दोनों लोग पढ़ने पढ़ाने में इतने मशगूल हो गए कि इन्हें दिन का पता रहता और न रात का। शिक्षिका दिन रात ट्यूशन पढ़ाती और राजेश द्विवेदी दिन रात ट्यूशन पढ़ते। अंततः जब 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो दिन रात ट्यूशन पढ़ने वाले राजेश द्विवेदी का नीचे से सबसे पहला नंबर आता है। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि राजेश द्विवेदी 12वीं कक्षा फेल हो गए थे और मोहब्बत की परीक्षा में पास हो गए। फेल हो जाने के बाद राजेश द्विवेदी के परिजनों ने इनको सतना से भगा दिया और जब तक ये 12वीं कक्षा पास नहीं कर पाए तब तक इन्हें सतना नहीं आने दिया। होली की ये खबरें आपके सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, किसी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने के लिए नहीं। आप सिर्फ होली पे मनोरंजन कीजिए और मजा लीजिए।